किधर है प्लेन? हाँ वीवी का ही हो जा रहा। तो भैया टर्मिनल वन की डिपार्चर नहीं अराइवल, यहाँ से भाई बाहर निकलते हो आप जब भी आप डबलिन एयरपोर्ट टर्मिनल वन पे आते हो, और ये सारा वेटिंग एरिया है। बाउंडर राइन तो नहीं पहचानने का है ना। लो भाई फाइनली आ गए जिम कर का, और अभी टाइम हो रहा है शाम के दोपहर के 1 बज रहे। और रायन देख बेटा कितनी बड़ी बात है पापा आगे। रायन रायन रोटी खाई? नमना खाई? ओपन योर माउथ। लो भाई रायन इतना बोलना सीख गया। अच्छा यो भी आएगा लेटर, इसके बाद सिम भी आएगी। अच्छा दो सिम आएगी है ना। तो भाई बंदा है नहीं, और बंदे की सिम पहुंच गई यहाँ पे ना। आज आएगा भाई रायन का भाई, आज आपको डबलिन एयरपोर्ट पे लेकर चलेंगे, डबलिन एयरपोर्ट आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे जब आप एंटर करते हो, एग्जिट करते हो, कहाँ से करते हो, डबलिन एयरपोर्ट के बारे में प्रॉपर वीडियो होने वाली है, क्योंकि भाई इंडिया से आ रहा है कोई रिलेटिव, खास बंदा आ रहा है भाई ना इंडिया से, और सो एक्साइटेड रायन का भाई। तो भाई जो वो सिम दिखाई है भाई फोन सिम, जैसे आप यहाँ पे आते हो कौन सी आपने फोन सिम लेनी है जो आपको ठीक प्राइस पे पड़ जाती है। जो मैंने मंगाई है 48, जिसका मेरे को लगता है 11 से 12 यूरो आपका पर मंथ पड़ जाता है, तो उसको रिचार्ज करेंगे जो बंदा आ रहा है इंडिया से उसके लिए। चल बेटा चेयर रख के आ जाओ वहाँ पे किचन में, उसके बाद एयरपोर्ट पे चलना है, ठीक है? तैयार हो जाओ। आपका बर्थडे थोड़ा ना आ रहा है ना, जिस दिन बर्थडे होगा ना उस दिन काटेंगे बेटा केक। अरे नहीं बेटा आज आपका बर्थडे नहीं, जब आपका बर्थडे होगा उस दिन काटते हैं केक, ऐसे थोड़ा ना काट देंगे। हाँ वेरी गुड। फ्लाइट रडार करके ऐप है 24, तो इसमें सारा कुछ आपको दिख रहा है। देखो ये ना प्लेन भाई यहाँ से अपना लोकेशन दिखा रहा है। तो भाई 50 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुँचना है, तो उसको 15 से 20 मिनट एयरपोर्ट पे भी लगेंगे अपना इमिग्रेशन करने में। लो भाई 3:30 हो रहे हैं, और 15-20 मिनट के अंदर भाई फ्लाइट लैंड हो जानी है, उसको 15-20 मिनट और लग जाने हैं। उसके बाद और रायंस हो गए भाई, क्योंकि इसका भी सोने का टाइम हो जाए 3 बजे के करीब ना, तो 15 मिनट में इसे बिठावा और चला अपना सीधा तैयार हो गए। आ जाओ ऊपर ठहले बैठा, बस बैठ जाओ, ठीक है बस कार सीट भी लगा लो इधर ना। तो भाई लैंड हो गया अपना जो प्लेन है जो इंडिया से आ रहा है, ना एक्साइटमेंट हो रही पूरी, क्योंकि भाई ना इंडिया से जब कोई भी बंदा आता है ना यहाँ पे, तो ये होता है कि भाई इंडिया का जो सामान है, इंडिया की स्वीट्स है, इंडिया के घर का सामान जो मिलता है ना भाई, उसकी खुशबू ही अलग होती है यहाँ पे। सो एक्साइटेड मिलते हैं भाई को जाके सीधा एयरपोर्ट पे, डबलिन एयरपोर्ट। आपको डबलिन एयरपोर्ट भी दिखाएंगे जहाँ पे भाई अपना अराइवल्स है और डिपार्चर है, कहाँ पे आप लैंड करते हो, कहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हो, और बसेज वगैरह कहाँ से लेते हो डबलिन एयरपोर्ट पे। तो 5-7 मिनट की ड्राइव है मेरे घर से ही। चलो बेटर है अभी भाई वो सो के उठा है, उसको जबरदस्ती उठाया नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड वो भी था, क्योंकि जब भी हम गाड़ी में जाते हैं तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। चलो बेटा बाय बाय कर दो रायन। बाय बाय। हाँ बाय बाय। चलो भाई क्या इसको क्या बोलते हैं जो एम्बर लाइट, जो एम्बर लाइट, अच्छा वो तो मैंने पहले बोली थी, इसके क्या मतलब है, क्या यूज है इसका ना? क्रॉस कर सकता है भाई इधर उधर से, जैसे लेफ्ट राइट से कोई पेडेस्ट्रियन कोई क्रॉस करा तो आपको रोक लेना है उसके लिए ना, तो इसलिए भाई वो एम्बर लाइट फ्लैशिंग लाइट बनाई हुई यहाँ पे। ऐसे ही हम एयरपोर्ट के लिए जैसे अपने घर से निकला ना, तो पहले ही एग्जिट वही एयरपोर्ट गया अपने घर से, लगा लो भी भाई 5-7 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगा। और मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस टाइम ना। तो लो भैया आ गया अपना डबलिन एयरपोर्ट। हाँ बेटा राइन भी एक्साइटमेंट में पूरा भाई खुश है इस टाइम ना, और क्या कि भाई जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करनी है तो वो दिखाएंगे आपको भाई, जो सस्ती कार पार्क है डबलिन एयरपोर्ट के अंदर। एक तो अभी 3 यूरो आपको हाफ एन आवर के पे करने हैं, एक है भाई उससे भी सस्ती, कितनी सस्ती होगी वो आपको दिखाएंगे। सीधा पार्किंग में चल रहे हैं अपना। कह रहा बेटा कैसा फील हो रहा? हाँ बता भाई, इसको भी लैंड हो गया फ्लाइट। चलो बेटा बस अब 2 मिनट और लगेंगे भाई। हम जा रहे हैं अपना टर्मिनल 2 के, टर्मिनल 2 पे जब आप एंटर करते हो यहाँ से आपने निकलना है अपना सीधा। टर्मिनल 2 को क्रॉस करने के बाद एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं भाई यहाँ पे कार पार्क ना, एक ये राइट वाली है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, यहाँ पे लगते हैं भाई आपके 3 यूरो 1 घंटे के, सॉरी हाफ एन आवर के 3 यूरो। तो यहाँ पे भाई लगेंगे बहुत कम, कितने कम लगेंगे वो भी आपको जब हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे अपना रिसीव करके भाई को, तो फिर बाद में बताएंगे भाई कितने ये चार्ज करेंगे। वैसे तो यहाँ पे रेट भी लिखा उन्होंने ने, तो वैसे भी भाई कम लगेंगे यहाँ पे कम्पेयर टू अगर आप पार्किंग में करते हो अंडरग्राउंड पार्किंग। उड़ रहा भाई जहाज सामने ना प्लेन, ये है भाई टर्मिनल 2 की कार पार्क के बाद अपना यहाँ पे पार्किंग लगा दी, और सामने अभी वो टर्मिनल 1, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स हैं। किधर है प्लेन? हाँ वीवी का ही हो जा रहा। चलो भाई, और भाई जब जैसे हम पार्किंग में आए तो ये टिकट मिल गई, लास्ट जाते टाइम हमने वापस डालनी है, तो देखते हैं कितने चार्जेस लगेंगे। आ जाओ यहाँ से भाई बसेस मिलते हैं जैसे आप टर्मिनल 1 से बाहर निकलते हो। देखो ये 3-4 लाइनें बन रही ना भावना, याद है? हाँ नहीं उस साइड हमने जाना है, तो यहाँ पे भाई सारी बसेस वगैरह आपको जिस काउंटी में जाना है तो सारी बसेस वगैरह यहीं से मिल जाती है भाई आपको ना टर्मिनल 1 में जैसे आप बाहर निकलते हो। ये है भाई अपना एम्बर लाइट,
तो क्रॉसिंग एनीवे ना लो भाई, कितना बिजी है एयरपोर्ट ना, पूरा बिजी है क्योंकि भाई बहुत फ्लाइट इस टाइम लैंड करती है दोपहर शाम के टाइम। चलो बेटा आपको भी जाना फ्लाइट में। लो जी टर्मिनल 1 यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो हम जा रहे हैं डिपार्चर पे, नहीं अराइवल्स पे। अच्छा बेटा तेना घूमो जी, वो गोरा तो घूमो गया था। चलो 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 भैया, तो टर्मिनल 1 की डिपार्चर नहीं अराइवल्स, यहाँ से भाई बाहर निकलते हो आप जब भी आप डबलिन एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे आते हो, यही लेफ्ट हैंड साइड है टैक्सी रैंक और इसके बाहर जाती है अपना सीधा बस स्टॉप जो बस स्टेशन है। तो बिजी है भाई, अराइव आ रहा लिखा हुआ 2 मिनट पहले हुई भावना, अभी तो टाइम लगेगा, हमने टिकट भी बहुत पहले अंदर एंटर हो गया हम ना। चला जाओ बेटा दिखाता हूँ कहाँ से निकलेगा भाई ना। और ये सारा वेटिंग एरिया यहाँ पे भाई बंदे वेट कर रहे हैं जो भी अपना उनको रिलेटिव वगैरह उनको रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। याद है भावना कुछ टाइम 3-4 साल पहले जब आए थे। देखेंगे भाई रायन पहचान लेगा ना, पहचान लेगा जो भाई आ रहे हैं इंडिया से। भावना रायन तो नहीं पहचानने का है ना, थोड़ा बहुत मुश्किल है, देखते हैं एनीवे पहचान भी ले, क्योंकि भाई वो वीडियो देखता है अपने ताऊ की, तो उसमें वो बंदा आता है जो अपना आ रहा है अभी जिसको हम रिसीव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। डबलिन एयरपोर्ट के अंदर ही बन रहे अपना करेंसी एक्सचेंज, यहाँ पे भाई अपना रुपीज वगैरह आप लेके आ रहे हो इंडियन वो चेंज करा सकते हैं यहाँ पे ना। अभी सबर का बांध टूट गया भाई, काफी टाइम हो गया वेट कर दे, और रायन भी अंदर ही चला गया। बेटा अंदर नहीं जाना है, कईयों के बैग देखो तो भावना डर लगा भी अंदर लाश लूस ना पै रखी हो, देखिए हाँ 2-3 बंदे अंदर ही पै रखे हो। रायन लुक, वो देख बेटा वो देख कौन आया, आया पहचान मा ना भाई, आया नहीं पहचान में ना, कौन है बेटा भाई लुक क्या कैसे रही फ्लाइट, यो किसका बैग ठहरा लिया अपनी है ना बैग ना, अभी ये भी नहीं पहचानने का भाई, ऐसे कौन स्वागत करता है। ले भाई दलवित कर अपना दर्शन आयरलैंड के ना, पहले तो अगर बस लेकर आना ना तो फिर या तो हम गाड़ी में चलाते बस लेकर पहुंच जाइए तो यहाँ पे है भाई सारी बसेज, उसके राइट हैंड साइड पे है भाई टैक्सी वगैरह ना, जो पार्किंग के लिए हमने जो टिकट निकाल ली थी ना इंसर्ट टिकट, यहाँ से डालनी है और इसमें भाई यूरो डाल देने हैं। बिल बना है 3 यूरो जो कि हमको भाई 1 आवर लग गया नियरली ना, वो अपने यहाँ पे भाई पे कर सकते हो आप टैप से, उसके बाद भाई कार्ड से भी पे कर सकते हो। ये आगे भाई अपनी जो वैलिडेट हो गए, कैसे रही अपनी ड्राइविंग, बढ़िया करो ना मैं ड्राइविंग, थोड़ी पार्किंग में लगा दो भाई इसके 6 यूरो बन जाने दे। और वेदर कैसा लग रहा है, बढ़िया ठंडी लग रही, रायन डर लग रहा है भाई, पता नहीं कौन आ गया हमारे घर। वो भाई सीट बेल्ट लगा ले, यहाँ नहीं है चाचा विधायक है मेरे। लो भाई पहली ड्राइव ही करने लग रहे एयरपोर्ट, तब तक बाहर नहीं निकल की भाई, ये रुक रुक के चल रही जो बैरियर है ये खराब हो गया इनका, मशीन होगी खराब। और 3 यूरो हमने लास्ट में पे करे ना, देखो किस्मत यहाँ पे अभी ये खोल देगा, आउट ऑफ ऑर्डर कर दिया तो अभी सबके लिए फ्री हो जानी है। फाइनली भाई लड़ झगड़ के खुलवाया बैरियर और इसके बाद भाई 5 मिनट लगने हमने घर तक पहुंचने में, है ना बेटा रायन एक्साइटेड है। रायन का भाई, रायन के वास्ते भाई 3-4 चीजें आई है और वो भी बड़ा एक्साइटेड ही है। और ला सामान उठाओ भाई अपना और चलो, रो रहा अच्छा आ जा आ जा, बहुत काम करा रायन ऐसी बात नहीं है। और बना दे बस चाल भाई काड़ी में तो मिठाई मुठाई, देखे रायन भी तो बेचारा देख रहा है मुंह की तरफ, इसका भी गिफ्ट आया होगा, रायन का गिफ्ट भी आएगा। बेटा क्या है इसमें, चलो खोल लो, ओ रायन की कार ले मां, कैसी है बेटा ठीक है, भाई को थैंक यू करो, भाई दे भी दे दो बेटा, हाँ नहीं भाई दे दे दो उधर। तो लो भाई करो सेव, अपना गाजर फाग आ गया अपना इंडिया से, और अपना मटर भी भाई इंडिया से आ गया, चाय पीते हैं अपना। और अपने रिश्तेदारों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मम्मी डैडी का अपना सारे परिवार का। एयरपोर्ट पर जैसे आप कुछ पूछे हो ना एम्बेसी वगैरह में, जैसे नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस उसने पासपोर्ट वो देखा मेरा, दूसरा भी आपने देख लिया एयरपोर्ट पे, यहाँ पे आपने टैक्सी वगैरह बस वगैरह कहाँ से लेनी है, रिसीव कहाँ पे करने जाते हो, और कितना एक्सपेंस है अगर आपका डबलिन एयरपोर्ट पे पार्क करते हो आप अपनी गाड़ी। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, और मेरे को तो मजा आया क्योंकि स्वीट्स वगैरह सारी घर की इंडिया की मम्मी ने बनाई हुई सारी मिठाइयां, और भाई को देख भाई मजा आ गया कसम जाना, जैसे कि एक फीलिंग आ रही है भाई अब अपनी ही कंट्री में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, है ना बेटा। और इन को भी खिलाने वाला कोई आ गया जैसे ना, ये भी कल्ला कल्ला फील करता है, अगले सितंबर से बेटा स्कूल में जाने लग जाएगा, फिर बोलना शुरू कर दिया ठीक है, हाँ ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, टिल देन टेक केयर।